देखिए भाई, बीजगणित अलजेब्रा का शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 मैथ में। हम लोग इसमें बहुपद के बारे में आज जानेंगे, पॉलिनोमियल्स। थोड़ा हल्ला नहीं करेगा। बहुपद की परिभाषा पहले समझेंगे। बहुपद की परिभाषा क्या होता है? जब कोई एक्स या कोई अन्य चर के माध्यम से अगर उसको अलग अलग हाथ में सजा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, कोई बीजीय व्यंजक बनाया करके दिया जाता है, जहाँ की घात का मान जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, मैंने ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बहुपद कहते हैं। समझ रहा है? जहाँ के एक्स या वाई या जो भी आप ले रहे हैं चर, उसका गुणक जो है वो कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चर एक्स या किसी अन्य चर के विभिन्न घातों से युक्त जोड़ या चिन्ह के से जुड़कर बना बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहाँ घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं x के रूप में अगर लेना चाहे कि एक चर वाला बहुपद पी एक्स, एक्स लिखने का मतलब x वाला चर, पी वाई लिख दिए तो y वाला चर, पी जेड लिख दिए तो z वाला चर, कोई दिक्कत नहीं है। x के रूप में हम एक उदाहरण के रूप ले रहे हैं कि पी एक्स चर x में निम्न रूप का एक बीजीय व्यंजक है। मतलब बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन वो विभिन्न घातों से जुड़ा हुआ है और घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यही बस खाली दिमाग में रखना है। पी एक्स बराबर ए एन एक्स के पावर एन, ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू एक्स पावर टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट या ए जीरो। इसके मतलब कहा है कि ए एन एन माइनस वन जो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट में चर के साथ में है गुणांक में, ये वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक का मतलब क्या? कुछ भी संख्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, बटा में हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है घात जो है वो एन जो है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये बहुपद होगा। अरे बस अब इसके साथ और एक बात बता देता हूँ। देखिए उदाहरण समझ लिए, थ्री एक्स प्लस वन, एक्स जो है आपका चर है, एक्स एक्स के रूप में ही, एक्स का गुणक तीन है ना, तो ये जो चीज़ है ये वास्तविक संख्या है और इसका जो पावर एक है वो पॉजिटिव है, ना निगेटिव इंटीजर है। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, रूट थ्री एक्स स्क्वायर। देखो एक्स के पावर टू है, यहाँ गुना में भले रूट थ्री है तो रूट थ्री भी तो वास्तविक संख्या है, रूट टू एक्स ये वास्तविक संख्या है, एक्स पर कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए तो रूट फाइव ये चलेगा, ठीक है, लेकिन घात नहीं चलेगा। अब देखो परीक्षा में बार बार पूछता है कि कौन बहुपद नहीं है, तो देख लो कुछ उदाहरण बता दिया कि कौन बहुपद नहीं है। जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स, जब बटा में रहेगा एक्स ये बहुपद नहीं है, वन बाई एक्स प्लस वन बहुपद नहीं है, एक्स स्क्वायर देखो नीचे है बहुपद नहीं, ये देखो एक्स ही रूट में है, ध्यान देखना एक्स ही रूप में है तो ये बहुपद नहीं है, ये माइनस में है पावर बहुपद नहीं है, बटा में है, समझ में आ रहा है? इतना से ज्यादा रह वो नहीं करेगा। कोई व्यापक रूप में जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि पी एक्स है थ्री एक्स क्यू माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वन, आप लिख दिए इसका गुणज में माइनस है, रूट वाला है, ऐसे है, इस चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए तीन दो एक है ना, यहाँ पर एक जीरो है एक्स के पावर, तो ऐसे घात सजा हुआ रहेगा, वो माइनस फाइनस में नहीं रहना चाहिए, उसी को बहुपद कहते हैं। अब देखो यहाँ बहुपद के घात के बारे में बात हो रहा था, तो कोई बहुपद अगर है उसमें जितना ज़्यादा मान होगा घात का वही उसका घात होगा। जैसे कि थ्री एक्स क्यू माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वन में सबसे ज़्यादा तीन है पावर, तो घात तीन होगा, तीन होगा है ना, इसका माने आप फोर रहता तो सबसे ज़्यादा फोर रहता तो घात फोर होगा। लेकिन एक पद में अगर पूछेगा घात तो सब चरवा का पावर वा जुड़ जाता है, सब चरवा का पावर क्या जुड़ता है, टू एक्स स्क्वायर वाई जेड पूछा तो वाई के एक होता है छुपल, जेड का भी एक, दो एक तीन एक चार बताना है, तो ये इससे पूछेगा तब ऐसे बताना है। लेकिन पूरा बहुपद का पूछेगा तो जो सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होगा। बात नहीं ना करो तुम्हें दूर में सुनो ना, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसका कहता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, जैसे देखिए थ्री एक्स प्लस वन इसमें देखिए एक्स के पावर एक है, ये रैखिक बहुपद का मतलब आपका उदाहरण है। और द्विघाती बहुपद में कहता है कि दो घात अगर रहेगा
तब आपको द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती तीन घात। अब सुनिए, रैखिक बहुपद का हमने लिख दिया, थोड़ा उधर दिखाओ बाबू, कि व्यापक रूप जो है एक्स प्लस बी के रूप में, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या है लेकिन एक्स का गुणांक जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इसका पूछा कि कोई व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका कोफिशिएंट ए जीरो नहीं होना चाहिए। वही त्रिघाती के लिए पूछा अगर व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना, समझ रहा है। और यहाँ पर एक बात आ रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी वास्तविक हो सकता है लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। व्यापक रूप आप इसका उदाहरण भी बताइए दीजिए, त्रिघाती का थ्री एक्स क्यूब माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस है ना, ये त्रिघाती का ऊपर है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लिख दिया थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन तो ये आपका एक बहुपद है, लेकिन जब इसको बराबर करके कोई जीरो बना दिया इसको, तब ये समीकरण क्या जाएगा, बहुपद और समीकरण में फर्क समझ लो। अगर ऐसे रहेगा बहुपद, ऐसे बराबर जीरो लगा देंगे जब समीकरण, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ये फर्क भी जानना जरूरी है। आज के क्लास में इतना बता दिया है, नोट्स भी है, आगे फिर देखेंगे, है ना।